तो फ्रेंड्स आ गई है बरसात, और सबसे बड़ा सवाल होता है कि बरसात में अपनी स्कूटी स्लिप ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और बरसात में अगर आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाएगी तो आपको भाई बहुत शर्म आएगी, और बरसात में अपनी गाड़ी का ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। तो क्या क्या मेंटेनेंस है, एक हम बेसिक अपनी मेंटेनेंस टिप बताएंगे, दूसरी हम चलाने का तरीका भी बताएंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको टिप बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है बरसात में। तो सबसे पहले जो आपको सावधानी रखना है वो अपने टायर से रिलेटेड है, कि अपने टायर को हमेशा आप देखो कि अगर आपके टायर भाई खराब हो चुके हैं, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ की लाइन पूरी खत्म हो गई है, पूरा टायर फ्लैट हो गया, चिकना हो गया है, तो उस टायर को आप बरसात के पहले बदल लो, क्योंकि अभी बरसात में पानी गिरेगा तो यहाँ पर जो ग्रिपिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज टायर से रिलेटेड ही है कि अगर टायर में आपको यहाँ पे टोटल कहीं भी आप कीचड़ मिट्टी वाली रोड से गए हो और यहाँ पर जो देख रहे हो आप जो गैपिंग ग्रैप्स बने हैं, यहाँ पर अगर टोटल मिट्टी छप गई है तो प्रेशर मशीन से इसको धुलवा लो, क्योंकि अगर टायर बिल्कुल फ्लैट रहेगा तो गाड़ी ज़्यादा स्लिप हो जाएगी। टायर के बाद हमारी गाड़ी में एक और दूसरा पार्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है वो होती है ब्रेकिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी अगर डिस्क ब्रेक है या भाई ड्रम ब्रेक है तो ब्रेक पैड, ब्रेक शूज वगैरह उसको आप चेंज करवा लो, और साथों साथ अगर आपकी गाड़ी में अगर आपको ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेक वायर अगर आपकी लूज है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, तो ब्रेक को भी वायर को भी आप चेंज करवा लो ताकि आपको ब्रेकिंग अच्छी कंफर्ट मिले। इसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ में हमें ध्यान देना है दोस्तों वो है एक्सीलेटर वायर। यहाँ पे बहुत से लोगों का ध्यान जाता नहीं है। एक्सीलेटर क्या होता है, कभी कभी एक्सीलेटर फंसता है आपका, जैसे आप यहाँ रखोगे तो इतने में वो एक्सीलेटर आपका जाम हो जाता है, टोटल फ्री नहीं होता। तो बरसात में आपका एक्सीलेटर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, एक्सीलेटर वायर कहीं से भी कटी फिटी ना हो, एक्सीलेटर वायर हमेशा अच्छी हो और एक्सीलेटर आपका बहुत स्मूथ हो। बरसात में ये चीज़ें आपको कंपलसरी है कि आप इन पे भाई पहले से फोकस कर लें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारी, जो थर्ड नंबर की होती है, वो है हैंडल बैलेंसिंग की, कि आपका अगर हैंडल भाई हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, हल्का सा शेक कर रहा है, हिल रहा है, ढुल रहा है हैंडल, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हैंडल को भी आप थोड़ा सा दिखवा लें बेसिक किसी मैकेनिक को सर्विस सेंटर में, क्योंकि बारिश में आपका हैंडल कंट्रोल बहुत अच्छे से स्मूथ होना चाहिए। आपकी इलेक्ट्रिक है तो भाई यहाँ पे जो टोटल वायर जो रहती है एक बार आप उसको चेक कर लो, और अगर आपकी भाई पेट्रोल गाड़ी है तो इंजन ऑयल भी आपका अच्छे से होना चाहिए, प्लस जो भाई जो चेन रहती है ना जिसको इंजन घुमाता है, वो आपकी चेन में बकायदा ऑयल लुब्रिकेशन होना चाहिए, क्योंकि सूखी चेन बरसात में चलाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। प्लस अब एक आपको बोनस चीज में बताता हूँ कि बरसात में आपको आपकी जो लाइटें हैं वो तो परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे सामने की हो, इंडिकेटर हो या पीछे का हो। अब देखो बारिश में जो विजिबिलिटी होती है वो जाती है कम, तो आपकी अगर बैक लाइट नहीं जल रही है तो सबसे पहले बैक लाइट का बल्ब चेंज करवाओ, वायर चेक करवाओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बारिश में देखो विजिबिलिटी रहेगी नहीं, पीछे से आने वाली गाड़ी को बारिश के पानी में आपकी गाड़ी की दिखेगी नहीं कि गाड़ी आगे चल रही कि नहीं चल रही है, और जब बैक लाइट टेल लाइट आपकी जलती रहती है तो सामने वाले को पता चलता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है। तो भाई यहाँ पर आप अपनी बैक लाइट की जो लाइट है, वैसे ही इंडिकेटर जो होते हैं कि आप कहीं भाई इंडिकेट कर रहे हैं लेफ्ट राइट आप अंदर जा रहे हैं, और अगर आपका इंडिकेटर बंद है तो पीछे से आने वाली गाड़ी आपको ठोक सकती है, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं। अब अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो बारिश में एक चीज़ याद रखो कि ये जो कैप रहता है जहाँ पर आपका चार्जिंग कैप है, ये कैप बिल्कुल लगा होना चाहिए यहाँ पर। अगर ये कैप नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट कैप दूसरा डलवा लो, चाहे ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे हो, किसी इलेक्ट्रिक पे चार्जिंग कहाँ रहता है, ओला में आप देखेंगे कि पीछे रहता है, तो आपका जो चार्जिंग की जो ढक्कन है, जो कैप है, वो परफेक्टली लगनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप बिना कैप के गाड़ी रखते हो तो भाई अगर आपका सॉकेट में पानी जाता है और जब रात में आप चार्ज में अपनी गाड़ी को लगाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा भी छोटे छोटे स्क्रू नट बोल्ट सब कुछ टाइट करवा लो, बारिश में आईना बिल्कुल आप लगा के चलाइए, आईने को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बारिश में बहुत ख्याल रखना है, और अपनी गाड़ी ओवर स्पीड में ना चलाएं। अब गाड़ी चलाने में आपको क्या क्या सावधानी रखना है उसके लिए आप भाई लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।